सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पोपाय राइडर। सो फाइनली आज अपनी शॉप पर आया है आर्बन 5M। सो उसका मैं एक बार आपको लुक दिखा देता हूँ एंड देन क्या क्या चेंजेस किए इस बार यमा ने। थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो रखेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे मेन टॉपिक्स पे, जो कि भाई आया है क्रैश गार्ड वगैरह इंस्टॉल करने। तो हम क्या क्या एसेसरीज इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं एंड उसका लुक कैसा है, तो इस बारे में आज हम बात करते हैं। सो दिस इज़ R15M जो है 2023 मॉडल। सो डिफरेंस तो मैं आपको इस पर बाद में बताऊँगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ हम इसके अंदर क्या इंस्टॉल कर रहे हैं। हम इसके अंदर लगा रहे हैं ग्रैब ग्रिल, जो कि बैक जो पीछे बैठता है अपना पिलन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये वाली ब्रेक ग्रिल है, मैं आपको एक बार ग्रिल दिखा देता हूँ। तो ग्रिल जो है ये ब्लैक कलर की है, आप इसका लुक देख सकते हैं, कुछ ऐसी इसकी बनावट है। ऑसम क्वालिटी और काफ़ी हैवी क्वालिटी है हमारी शॉप के ऊपर ये। सो इसके अंदर हम ये ब्रेक ग्रिल लगा रहे हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंड आइटम है हमारे पास क्रैश गार्ड, और इसके अंदर लगा रहे हैं हम रेडिएटर ग्रिल। सो वो दोनों का व्यू भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो इसके अंदर लगा रहे हैं हम ये वाली रेडिएटर ग्रिल, आप देख सकते हैं ये R15M लिखा हुआ है और बिल्कुल बाइक की मैचिंग की कलर की है रेडिएटर ग्रिल। तो इसके अंदर हम ये लगा रहे हैं। थर्ड प्रोडक्ट लगा रहे हैं हम इसके अंदर ये वाले क्रैश गार्ड, ये वाले डबल स्लाइडर वाले क्रैश गार्ड है। सो एक बार पन्नी से खोल के इन्हें इंस्टॉल करते हैं, देन मैं आपको इनका लुक दिखाता हूँ कि बाइक के ऊपर इनका कैसा लुक आ रहा है। सो इसके अंदर हम ये वाली ग्रैब ग्रिल इंस्टॉल कर रहे हैं। सो यहाँ के हमें दो पेचेस खोलने पड़ते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे टाइट हो जाते हैं और दो पेचेस हमें यहाँ लगाने पड़ते हैं, जो जेन्युइन फिटिंग होती है उसी के अंदर ऑलरेडी टाइट हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ये कुछ ऐसी फिटिंग आ जाती है जो हमारे ये बैक साइड के जो पिलियन प्रोटेक्टर होते हैं उसे पकड़ लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और अपनी R15V4 के तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो ये वाला पीस है वो काफ़ी वो है, लो क्वालिटी का है। अब ये नहीं पता यमाने ऐसा क्यों बनाया, बट है। सो जेन्युइन फिटिंग यहाँ पर ऐसी आ जाएगी कुछ, जो ओरिजिनल जेन्युइन पेच होते हैं वो इसके अंदर लग जाएंगे, बस ग्रिल ऊपर से आ जाती है। तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है, तो कुछ जेन्युइन ऐसी लुक आ गई है। देखिए सीट कवर भी आराम से बंद हो गया और बैठ के अगर बंदा इसे इजीली पकड़ भी सकता है, तो कुछ ऐसा लुक है। तो अब बढ़ते आगे हम क्रैश गार्ड की तरफ। सो ये क्रैश गार्ड है, तो इसकी पैकिंग ओपन कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको लुक दिखाता हूँ इसका लुक कैसा आ रहा है। तो ये कुछ कैसा ऐसा लुक है आपने क्रैश गार्ड का, ये देख सकते हो भाई, वो काफ़ी हैवी क्वालिटी में है यार। तो कुछ ऐसे करके लगेगा, ये जो है ये राइट साइड का है, यानी कि ये इस साइड पे लगेगा, सिंगल स्लाइडर में है ये। तो मैं एक बार आपको दोनों इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सो कुछ ऐसी लुक आ रही है, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको एक बार डाउन से दिखा देता हूँ। डाउन में यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा, ठीक है, अपर में यहाँ पे एक पेच लग गया है, देन यहाँ लग गया है एक पेच। तो कुछ ऐसी फिटिंग आ रही है, प्रॉपर फिटिंग उसी साइड से भी ऐसी है। सो ये रोड बीच में लगेगी इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, देन पूरा जो है लुक एकदम ऑसम हो जाएगा। तो इसे पूरा इंस्टॉल करते हैं, देन मैं आपको बाइक में पूरा दिखाता हूँ एंड देन फिर बाइक के बारे में बात करेंगे कि क्या यमा ने इस बार क्या अपडेट किया है हमारी R15M के अंदर। सो ये अपना क्रैश गार्ड जो है इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर फिटिंग के साथ। यहाँ पे बोल्ट लगा है, यहाँ पर बोल्ट लगा है, पूरा फिक्स हो गया। यहाँ पे हमारा इसका एक रोलर आ जाएगा। सो कुछ यहाँ से इस साइड से ऐसी लुक आ रही है, मैं आपको दूसरी साइड से इसका लुक दिखाता हूँ। सो दूसरी साइड से कुछ ऐसी लुक आ रही है, प्रॉपर फिटिंग हो गई है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल लगा रहे हैं नीचे की साइड में यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रेडिएटर ग्रिल कैसी लगेगी और कैसा लुक आएगा अंडर साइड से इसका। तो इसके अंदर ये रेडिएटर ग्रिल लग चुकी है, ये देख लीजिए कुछ ऐसा लुक आ रहा है बाइक का, जो है बहुत ज़रूरी होती है रेडिएटर ग्रिल अपने लिए, क्योंकि ये हमारा जो रेडिएटर होता है उसे सेफ रखती है, जो विंड्स होते हैं रेडिएटर के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट करती है। सो अगर बात की जाए तो R15M 2023 में कुछ खास डिफरेंस नहीं है 2022 से। सो मुझे तीन डिफरेंस देखने को मिले हैं। एक तो इसके जो इंडिकेटर है, अब ये जो है LED वाले आ रहे हैं फ्रंट एंड बैक साइड में, ठीक है। सेकंड जो है इसके अंदर मेरे को इसका कंसोल मीटर चेंज लगा देखते हैं, अब पूरा LED के साथ बिल्कुल कलरफुल इसका मीटर आ रहा है।
तो उसका भी काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है, देख रहे हैं आप कितना औसम लग रहा है। और अगर मैं आपको बात करूँ तो इसकी जो RPM है वो जो है अब इस टाइप में शो करती है ब्लू कलर में। सो दूसरा जो मीटर चेंज है बाइक का, ठीक है, सो थर्ड चीज़ मेरे को ये देखने को मिली है जो इसका हैंडल बार्स पे जो स्विचेज होते हैं वो अलग दिए गए हैं इस बार KTM की तरह। तो काफ़ी औसम लुक है, काफ़ी अलग लुक है बाइक का। सो लग गया है क्रैश गार्ड, रेडिएटर ग्रिल एंड बैक साइड में पिलियन के लिए एक जो ग्रिल होती है वो लग गई है। तो काफ़ी अच्छा लुक हो गया है बाइक का। सो अगर आपको ऐसा काम कराना है तो आप हमारी शॉप राइडर्स अड्डा पे आ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।